लो तोड़ जल्दी। अरे जय श्री राम टू वन एंड ऑल, वेलकम टू स्टडी अड्डा। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। आई हैव टोल्ड यू ऑल प्रॉपर्टीज अबाउट दिस वन। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस वन। ओके, आई टोल्ड यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉर्टिंग मटेरियल्स। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन, सम प्रॉपर्टीज आई टोल्ड यू ना, फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस and soluble, insoluble and transparency. So these are different types of properties. According to this we can make groups of different objects. ठीक है, main इस chapter के अंदर यही है और हमें हमारी copy की starting में chapter का जो beginning होता है उसमें आपको इन्हीं properties को mention करना है। If you don't know about this one, आप चाहें तो कुछ hint के लिए भी आप आगे एक दो लाइन उसमें ऐड कर सकते हैं हर प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, सो दीज आर कीवर्ड्स एंड वी आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। हार्ड, आई टोल्ड यू सम ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट। इनसोल्यूबल, सब्सटेंसेस दैट आर दैट डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इन द वाटर और इन एनी लिक्विड, दीज आर कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। और यहाँ हमने इन सॉलिड सब्सटेंसेस को कुछ नाम दिया था, उन्हें हमने बोला था सॉल्यूट। ठीक है, इनको हमने सॉल्यूट कहा था। एंड द लिक्विड इन विच एनी सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। अब यहाँ हमें लिक्विड का नाम बताना है कि वो लिक्विड जिसमें कोई भी सब्सटेंस डिजोल्व हो सकता है उसे हमने क्या कहा था, सॉल्वेंट। ओके, and then after when solute is added into the solvent they form solvent। इन दोनों से क्या बनता है, solution। ओके, तो यहाँ पर सपोज एज अ सोल्यूट वी आर टेकिंग शुगर, एज अ सोलवेंट वी आर टेकिंग वॉटर। सो वॉट वी आर गेटिंग हियर एज अ सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। ओके, लस्टर, इट्स शाइनिंग, जो शाइन होती है उसे हम लस्टर कहते हैं। और ये अपीयरेंस जो प्रॉपर्टी होती है उसी के अंडर आता है। मटेरियल, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है। आयरन एक तरह का मटेरियल है, ठीक है, गोल्ड एक तरह का मटेरियल है। और ये बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और जिसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, और जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, अपेक, आपको मैंने ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। इस ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि हम तीन तरह से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डाल सकते हैं, और वो क्या था, एक तो था वो अपेक, एक था उसका ट्रांसल्यूसेंट और एक था ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है ये अपेक। अपेक मीन्स द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। अब उसको वैसे मैंने अलग स्टाइल में बोला है, आपकी बुक में अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दैट कैन बी सीन थ्रू देम, दे कैन बी सीन। ओके, तो यहाँ हमने उन सब्सटेंस उन मटेरियल्स को बोला था ट्रांसपेरेंट एंड कैन नॉट बी सीन, देन अपेक एंड कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, तो उस कंडीशन पे हमने बोला था उनको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ठीक है, रफ, रफ इट मीन्स जो टेक्सचर होता है, जो सरफेस होती है यदि वो रफ है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन हम अपीयरेंस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, रफ एंड स्मूथ, आर यू गेटिंग। तो ये भी अपीयरेंस के अंदर ही आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ये जो आपके पास सब्सटेंस है उसको जब आप टच करते हैं तो एक तो आपको बिल्कुल रफ फीलिंग आती है और एक आती है बिल्कुल स्मूथ फीलिंग। जैसे हम बात करते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के बारे में, वो कैसा होता है, उसका टेक्सचर वो रफ सरफेस है। यदि हम इसको मार्बल फ्लोर से कंपेयर करेंगे सो मार्बल इज़ वेरी स्मूथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय टचिंग यू कैन मेक अ ग्रुप, ठीक है, एज रफ और स्मूथ। तो यहाँ पर हमें एक और प्रॉपर्टी मिल गई, रफ या फिर स्मूथ। ठीक है, सोल्यूबल,
ये बिल्कुल इनसॉल्यूबल के अपोजिट में है. द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन एनी लिक्विड, ओके, एंड डिसअपीयर कम्प्लीटली, दीज आर कॉल्ड सोल्यूबल. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, और भी है, विनेगर है, कई सारे सब्सटेंसेस हैं दैट डिजॉल्व इन द लिक्विड एंड कम्प्लीटली डिसअपीयर. दीज आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस. ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ना, दीज आर रिलेटेड टू दिस वन. अपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, दीज आर रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी. ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है. Now, in summary, in short, we will see this chapter once again. Objects around us are made up of large variety of materials. Yes, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे चारों हो रहे हैं, वो सब बहुत सारी वेराइटीज़ के मटेरियल से बने हुए हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल से बने हुए हैं. लाइक कुछ मेटल से बने हुए हैं, तो कुछ प्लास्टिक है, तो कुछ स्टोन्स है, बहुत सारी वेराइटीज़ जिनसे ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. एक मटेरियल को हम अलग अलग तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने में काम में ले सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. यस, एक ऑब्जेक्ट जो है वो या तो सिंगल मटेरियल से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है या फिर कई मटेरियल से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ऑब्वियसली अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है. सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीरियंस वाइल अदर्स आर नॉट. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ना ऑफ अपीरियंस, कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो शाइनी अपीरियंस रखते हैं, यानी कि उनकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है और किसी की नहीं करती है. सम आर रफ, कुछ रफ होते हैं तो कुछ स्मूथ होते हैं. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेरिया सम अदर्स आर सॉफ्ट, कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ सॉफ्ट होते हैं. इट मीन समरी में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा है. सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेरिया सम अदर्स आर इनसोल्यूबल. This is also one property, ना, soluble or insoluble. Some materials such as glass are transparent. Some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को देखिए, इन्होंने इस टू लाइन में पूरा क्लियर कर दिया है. इफ़ यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट दिस वन, तो आपको ये रिकॉल हो जाएगा एक ही बार में. मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स को जो ग्रुप में डाला जाता है वो उनकी सिमिलरिटी और उनकी जो डिफरेंसेस होती हैं प्रॉपर्टीज़ में, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप में डाला जाता है. थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. अब ये किसका आंसर है, वाई ग्रुपिंग इज इम्पोर्टेंट एंड वाई ग्रुपिंग इज डन. तो यहाँ पे ग्रुपिंग क्यों की जाती है, दीज आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी भी कर सकें, इसीलिए इन्हें ग्रुप में डाला जाता है. ओके, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स. नाउ विल सी क्वेश्चन आंसर. जो स्मॉल वर्ड्स हैं वो आप वहीं लिख लीजिएगा कॉपी में या बुक में मेंशन कर लीजिएगा बाय यूजिंग योर पेंसिल. डोंट यूज़ योर पेन. ओके, name five objects which can be made from wood. It's very simple question, बहुत छोटा सा question है ये. इसमें आपको क्या बोलना है, आपको ऐसे five objects के नाम बताने हैं which can be made from wood, जो कि लकड़ी से बनाए जाते हैं. किससे बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं. आई थिंक यू कैन ईजिली राइट डाउन दिस आंसर. फॉर दिस वी कैन से टेबल, चेयर, इसके अलावा डोर, ओके, विंडो एंड जो बेड होता है वो, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम वुड से बना सकते हैं. वॉट एवर यू विश यू कैन राइट डाउन, बट इट शुड बी मेड अप ऑफ वुड. ठीक है, तो जो आपको पसंद आता है वो आप आर्टिकल या ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, बट इट शुड बी मेड अप ऑफ वुड. ओके, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. अब यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से ये चूज़ करना है कि विच शाइन. यहाँ पर वो शाइनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुपिंग करवा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ग्लास का बना हुआ जो बाउल होता है, क्या वो शाइन करता है कि नहीं करता है, ये शाइन करता है ना. सो वी विल कीप दिस ऑब्जेक्ट इन दिस कैटेगरी. प्लास्टिक का जो टॉय होता है वो शाइन करता है, नो, प्लास्टिक में शाइनी प्रॉपर्टी नहीं होती है.
स्टील स्पून यस, जो मेटल्स होते हैं उनकी तो प्रॉपर्टी यही होती है कि दे शाइन, तो स्पून जो होती है स्टील की वो भी शाइन करती है. कॉटन शर्ट, कॉटन की जो शर्ट होती है वो शाइन करती है? नो, इट हैज़ इट डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी. ओके, तो यहाँ पर स्टील स्पून और ब्रास बाउल, इन दोनों पे आप मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों शाइन करते हैं. तो ये हमारे आंसर में क्या जाएगा, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून शाइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी कंटिन्यूसली, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स. ओके, यस, आस्था गेव मी रिप्लाई, चेयर, सोफा, विंडो, पेंसिल, डोर, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके राधेश्याम, योर आंसर नंबर 2 इज देयर. ओके राधेश्याम ने भी मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई किया, चेयर, टेबल. ओके अलमीरा और प्लांक्स, विंडोज. ओके कनिष्का सिंह ऑल्सो गेव मी रिप्लाई, टेबल, चेयर, डोर, बोट, बेड, वेरी गुड. ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून आर शाइनिंग, आर शाइनी ऑब्जेक्ट्स. ओके चलिए आंसर नंबर 3 भी आपने रिप्लाई कर दिया. चलिए आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर नंबर 3 को, इज इट करेक्ट और नॉट. चलिए, मेज द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर आपको इन्हें मेज करना है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ हो सकता है. ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मेजर कॉलम को कंप्लीट करना है. इसमें हम एक जो रेगुलर जो मेजर कॉलम सॉल्व करते हैं, ये कुछ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो आप इसको यहीं पर मार्क मत कीजिएगा, होशपोश हो जाएगा. इसको आप इस टेबल को दोबारा अलग से बनाइएगा, और कैसे करना वो मैं आपको बताती हूँ अभी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर दिए हुए हैं मटेरियल्स. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस बुक, अब बुक जो होती है वो किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है, बुक जो होती है वो पेपर से मिलकर बनी हुई होती है. तो यहाँ पर हम पेपर को तो डायरेक्टली बुक से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये तो सिंगल मेज हो गया. अब यदि हम बुक को बात करते हैं बनाने की, ग्लास से, वुड से, लेदर से या प्लास्टिक से, तो क्या इनसे बन सकती है ये? नहीं, बुक को बनाने के लिए हमें केवल पेपर की रिक्वायरमेंट है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट टम्बलर, टम्बलर जो होता है, जो ग्लास जो हम घर में यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, सो टम्बलर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? अब देखिए, टम्बलर जो होता है वो ग्लास का भी बना हुआ होता है, जो कांच के ग्लास होते हैं. इसके अलावा देखिएगा आप, टम्बलर जो होता है वो प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, देखा होगा आप लोगों ने. तो यहाँ पर देखिए, टम्बलर इज रिलेटेड टू ग्लास एंड इट इज रिलेटेड टू प्लास्टिक ऑल्सो. अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंडीशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन मोर देन वन मटेरियल. आपको ऐसा कॉलम मैच करना है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी यदि बन सकता है, तो आपको उसको उससे भी मैच करना है. तो यहाँ पर हम टम्बलर को किससे मैच कर रहे हैं? ग्लास और प्लास्टिक से. देन आफ्टर चेयर, अब चेयर जो होती है वो किस किस की बन सकती है? चेयर जो होती है वो वुड से बनाई जाती है. वुड के अलावा ये देखिएगा आप, प्लास्टिक से भी बन सकती है. ठीक है ना, आपने देखी होगी, चेयर इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक. तो यहाँ पर हम चेयर को वुड और प्लास्टिक दोनों से कनेक्ट करते हैं. देन आफ्टर टॉय, अब टॉय जो होते हैं वो किस किस से बन सकते हैं, किन किन मटेरियल्स के यूज करके बन सकते हैं? सिंपली यू नो वेरी वेल, टॉयज जो होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं. लेकिन आप देखिएगा कि प्लास्टिक के साथ साथ टॉय जो होते हैं वो वुड से भी बन सकते हैं. आर यू गेटिंग? देखे होंगे आपने वुड से बने हुए टॉयज भी, तो टॉय जो है उसको बनाने के लिए वुड और प्लास्टिक दोनों ही तरह के मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है. देन आफ्टर शूज़, अब यदि हम शूज़ की बात करते हैं तो शूज़ जो होते हैं वो लेदर से ही बनाए जाते हैं. अब इसको बनाने के लिए हम ना तो ग्लास का यूज़ करते हैं, ना ही वुड का, ना ही पेपर का. वैसे आप चाहें तो
प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शूज़ जो होते हैं वो लेदर से भी बनते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे हम, अब यहाँ देखिएगा ये तो काफ़ी होचपोच हो जाएगा, आप कैसे करोगे। अगेन यू हैव टू मेक वन मोर टेबल, यहाँ लिखिएगा आप ऑब्जेक्ट देन हियर मटेरियल। अब जैसे कि आपने यहाँ पर बुक लिखा है, अब बुक के लिए यहाँ पर केवल क्या है, मेज में पेपर है, तो यहाँ इसके सामने पेपर लिख देंगे। उसके बाद जैसे टम्बलर है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा यहाँ पर टम्बलर। लेकिन टम्बलर जो है उसको बनाने के लिए दो तरह के मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, ग्लास का भी बना हुआ है ये और प्लास्टिक का भी बना हुआ है। तो आप टम्बलर के आगे यहाँ पर लिख देंगे ग्लास और कॉमा प्लास्टिक, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा आप चेयर, और चेयर के आगे लिख दीजिएगा आप वुड कॉमा प्लास्टिक। देन आफ्टर टॉय में लिखिएगा वुड और प्लास्टिक, और उसके बाद शूज़ में लिख दीजिएगा आप विच वन लेदर। आप चाहें तो केवल लेदर भी लिख सकते हैं और लेदर और प्लास्टिक दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है। आई थिंक इट्स क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस टॉय प्लास्टिक एंड वुड, ओके, शूज़ लेदर से बनता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर 8 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपको प्रॉपर पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ पर हमें केवल ट्रू फॉल्स ही बताना है, लेकिन जो फॉल्स है उसे हमें ट्रू में भी कन्वर्ट करना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज अपेक। यदि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर समझ में आ चुकी है और आपने उसे विद एग्जाम्पल प्रॉपरली समझा है, देन यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। कुछ भी टिपिकल नहीं है इसके अंदर। स्टोन के लिए बोला गया है कि स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्लास जो होता है वो अपेक होता है। आई थिंक यू नो वेरी वेल ना, वॉट शुड आई से, यहाँ मैं बोलूँगी इट इज फॉल्स। वाई, देखिए स्टोन जो होता है उसके थ्रू या उसके परे आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, स्टोन अपेक होता है ना कि ट्रांसपेरेंट, जबकि ग्लास जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। सो फॉर मेकिंग दिस ट्रू स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन अपेक हियर एंड ट्रांसपेरेंट विल कम हियर, देन इट विल बी करेक्ट। स्टोन इज अपेक वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक में लस्टर होती है यानी कि शाइनिंग होती है, वाइल इरेजर डज नॉट, जबकि इरेजर में शाइनिंग नहीं होती है। सो फॉर दिस व्हाट यू विल से, नोटबुक में क्या शाइनिंग होती है, लस्टर होती है, आई थिंक नहीं होती है, वाइल इरेजर डज नॉट। देखिए इरेजर में तो ठीक है शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन आप इरेजर को नोटबुक से कंपेयर करते हैं तो फिर नोटबुक में क्या थोड़ी बहुत शाइनिंग होती है, नहीं, थोड़ी बहुत पेपर्स में होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, इसके लिए भी हम क्या लिखने वाले हैं, फॉल्स, कि नोटबुक जो होती है उसमें लस्टर नहीं होती है, इरेजर में तो होती ही नहीं है, लेकिन नोटबुक में भी लस्टर यानी कि शाइनिंग नहीं होती है। नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टी लस्टर, इट मीन्स शाइनिंग जो है, इट कैन बी सीन इन मेटल्स, मेटल्स में देखी जाती है शाइनिंग, ओके। सो इसके लिए भी हमें क्या बोलना है, यहाँ पर फॉल्स। चोक डिजॉल्व्स इन वाटर, चोक जो है क्या वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया भी था, है ना, डायग्राम के थ्रू आपको मैंने समझाया था। इसमें क्या आया था कि जब आपने चोक पाउडर को वाटर में डिजोल्व किया था तो वो एक बार तो पूरा वाइट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, बट व्हेन यू लेफ्ट इट फॉर फ्यू मिनट्स अनडिस्टर्ब्ड, तो आपने क्या देखा कि जितना भी चोक पाउडर था वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया था, नीचे वो पूरा जम गया था। तो यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं हम, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। एक्चुअली हमें क्या बोलना चाहिए, चोक डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ओके। Now, a piece of wood, okay, प्रीतम यादव ने मुझे सारे questions के reply कर दिए हैं, कनिष्का ने भी reply कर दिए हैं, ठीक है बेटा, एक बार confirm भी कर लीजिएगा कि आपके answers correct है या नहीं है, ठीक है। Now, a piece of wood floats on water, जो wood का जो piece होता है क्या वो पानी में, water में floating करता है, yes, it is absolutely correct। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं,
इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. जो वुड का पीस होता है वो वाटर में हमेशा फ्लोटिंग करता है. क्यों करता है फ्लोटिंग वो? क्योंकि वुड का जो पीस होता है वो उतने अपने वेट के जितने वाटर को अपनी प्लेस से सेपरेट नहीं कर पाता है, हटा नहीं पाता है, ठीक है, इसीलिए वो इजीली वाटर में फ्लोटिंग करता है. नाउ नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. नो, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. जबकि क्या बोलना चाहिए हमें कि शुगर डिजोल्व्स इन वाटर. शुगर जो होती है वो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है, ये हमें पहले ही पता है. बट इट इज सेइंग डज नॉट डिजोल्व, तो यहाँ पर ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है. देन आफ्टर ऑयल मिक्सेस विद वाटर. ऑयल जो होता है क्या वो वाटर में मिक्स हो जाता है? आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन ना, जब मैंने आपको सोल्यूबल इन सोल्यूबल के बारे में एक्सप्लेन किया था, एट द टाइम आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन. व्हेन सॉलिड मिक्सेस इन वाटर, when oil mixes in water, या when any liquid mixes in water and when any gas mixes in water, okay? तो यहाँ पर oil जो होता है वो water के साथ में completely mix नहीं हो पाता है, वो immiscible होता है. क्या होता है उसमें? Immiscible, it means it makes a separate layer, okay? तो यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं वापस से? It is a false statement. Sand settles down in water. सैंड जो होती है वो डालने पर वाटर में क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है? यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाती है, तो ये जब इसका अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखते हैं तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाती है. विनेगर डिजोल्व इन वाटर. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, विनेगर जो होता है वो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है. और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. जिसने नहीं करा है वो कॉपी कर लीजिएगा, अपनी बुक में लिख लीजिएगा. इन फर्स्ट फॉल्स, देन वंस अगेन फॉल्स. यहाँ पर केवल जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ट्रू है, और जो 7-8 है वो दोनों ट्रू हैं, बाकी सब क्या है? फॉल्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स आपको दिए गए हैं, लाइक वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पीचर. डू यू नो अबाउट दिस वन ना? जो मिट्टी का जो मटका होता है उसे हम कहते हैं अर्थन पीचर. ग्रुप देम एज, अब आपको इसे ग्रुप में बनाने हैं. दो ग्रुप कैसे बनाने हैं? पहले ग्रुप में आपको राउंडेड शेप को अलग करना है और जो भी अदर शेप वाले हैं उनको अलग रखना है. तो आपको यहाँ पर क्या करना है? शेप के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है. और सेकंड टाइम में आपको ईटेबल और नॉन ईटेबल इस अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है, ठीक है? चलिए अब हम क्या करेंगे, इनमें जितने भी राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम राउंड शेप्ड में सेपरेट कर देंगे. हाउ विल यू डू? सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे फॉर ए क्वेश्चन. यहाँ पर आप लिखेंगे राउंड शेप्ड और यहाँ पर लिखेंगे आप अदर शेप, ओके? अब राउंड शेप में हम क्या क्या लिखेंगे? यू कैन सी वाटर, बास्केटबॉल. बास्केटबॉल राउंड होती है ना, जो नियरली राउंड होते हैं, कुछ कुछ भी राउंड होते हैं वो भी हम इसी में मेंशन करेंगे. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फर्स्ट में? ये वाला बास्केटबॉल. इसके अलावा ऑरेंज जो होता है वो भी राउंड होता है. शुगर इज नॉट राउंड. ग्लोब, जो ग्लोब होता है वो भी कैसा होता है? राउंड होता है. उसके बाद में एप्पल इज ऑल्सो एन अर्थन पीचर ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें किस में आने वाली हैं? राउंड शेप्ड में आने वाली है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, माय ऑल आंसर्स आर राइट. ओके कौशल, यू आर सेइंग मी माय ऑल आंसर्स आर राइट, वेरी गुड. इसका मतलब चैप्टर को ठीक से स्टडी किया है. कनिष्का गेम में रिप्लाई, ठीक है बेटा, आपके जो आंसर्स है वो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप टेली कर लीजिएगा कि राइट है या नहीं है. चलिए राउंड शेप में मैंने क्या क्या बोला, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बास्केटबॉल. आप चाहें तो इसको राउंड शेप या आर लिख करके मार्क कर लीजिएगा अभी पेंसिल से. बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पीचर, ये सब क्या होते हैं? राउंड शेप में हैं. अब हम अदर शेप में क्या क्या डालने वाले हैं? एक तो हम डालने वाले हैं वाटर, तो वाटर के लिए हमने यहाँ पर अदर शेप और लिख दिया मैंने. इसके अलावा शुगर, ये भी अदर शेप में होती है, बस ये दो ही हैं. तो यहाँ पर अदर शेप्स में क्या लिखेंगे आप? वाटर एंड शुगर,
ओके तो ये हमारे ग्रुप बन गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर राउंड शेप। ठीक है, इस तरह से ग्रुपिंग की जाती है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, हमें ईटेबल और नॉन ईटेबल बताना है। वंस अगेन यू विल मेक अ टेबल, यहाँ लिखिएगा आप ईटेबल्स और यहाँ लिखिएगा नॉन ईटेबल्स। इट मीन्स आपको ईटेबल्स में उन ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स को लेना है जिन्हें आप खा सकते हैं, और नेक्स्ट वाले में उनको लेना जिन्हें आप नहीं खा सकते हैं। अब देखिएगा जो ग्रुप है आपका वो बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके पहले वाले ग्रुप से। अब ईटेबल में हम क्या क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट यू विल राइट डाउन वाटर, तो यहाँ हम ईटेबल में लिखने वाले हैं वाटर। बास्केटबॉल इट इज़ नॉट ईटेबल, तो यहाँ पर नॉन ईटेबल। ऑरेंज इट इज़ ईटेबल। शुगर दिस इज ऑल्सो ईटेबल। अब ग्लोब जो है वो नॉन ईटेबल है, तो यहाँ पर ये नॉन ईटेबल में आएगा। एप्पल इज ऑल्सो ईटेबल एंड अर्थन पिचर इज नॉन ईटेबल। अब देखिए ईटेबल में हमने किस को काउंट करा है, वाटर को, ऑरेंज को, शुगर को, एप्पल को, ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगे हमारे ईटेबल वाले कॉलम में। और नॉन ईटेबल वाले कॉलम में बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्थन पिचर। यू कैन सी ना, अब दोनों के ग्रुपिंग में कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ हमने प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया है, दैट्स वाई। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ना, आपने मार्क भी कर लिया होगा। वैसे मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूँ ही समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कनिष्का का आंसर देखती हूँ। ईटेबल वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, नॉन ईटेबल बास्केटबॉल, ग्लोब। ठीक है, दीपक पटेल बास्केटबॉल, ऑरेंज, एप्पल, ग्लोब, अर्थन पिचर। यह आपने ए का रिप्लाई किया है कि बी का रिप्लाई किया, बेटा मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई किसने नहीं किया, आई थिंक सब 7 का रिप्लाई कर रहे हैं मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। अब पहले हमें क्वेश्चन को समझने की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है आइटम्स की दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो कि पानी में फ्लोटिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना है कि जो लिस्ट आप बनाएंगे, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। उसके बाद आपको वो लिस्ट बनानी है जिसमें उन आइटम्स में से जो ऑयल में फ्लोटिंग कर सकते हैं और उन आइटम्स में से जो कि केरोसिन में फ्लोटिंग कर सकते हैं। सो हाउ विल यू राइट डाउन, आप लिखेंगे लिस्ट ऑल आइटम्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो पहले हम उन आइटम्स की बात करेंगे जो कि वाटर में फ्लोटिंग करते हैं। ओके, कनिष्का ने मुझे रिप्लाई किया है दैट फ्लोट ऑन वाटर, पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक शीट्स, वैक्स, आइस एंड थर्मोकोल एंड ऑयल। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, यही आंसर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम उन आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में वाटर फ्लोट, सॉरी आर्टिकल्स या आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, उसके लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पेपर, पेपर जो होता है वो वाटर में फ्लोटिंग कर सकता है। देन आफ्टर प्लास्टिक शीट, जो थिन प्लास्टिक शीट होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे थिन प्लास्टिक शीट, इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। थर्ड वैक्स, जो वैक्स होता है वो भी इजीली वाटर में फ्लोटिंग करता है, मेल्ट नहीं होता है। फोर नंबर है ऑयल, फाइव नंबर पे है आपका थर्मोकोल, थर्मोकोल इट्स टी, ओके। और सिक्स नंबर पे क्या है इसमें, ऑयल, वैक्स, थर्मोकोल एंड वुड, ओके। और एंड वन मोर इज देयर, सेवन पॉइंट है आपका आइस। आइस जो होता है वो भी वाटर में फ्लोटिंग कर सकता है, क्यों, क्योंकि आइस का जो वेट होता है वो वाटर के वेट से कम होता है, तो आइस जो होती है वो हमेशा वाटर में फ्लोटिंग करती है। वो बात अलग है कि मेल्ट होने के बाद वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, बट जब तक वो आइस की फॉर्म में होता है वाटर, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, वो उसमें वाटर में सिंक नहीं होता है। अब देखिएगा, ये तो हमने उन आइटम्स के नाम बताए हैं जो कि वाटर में फ्लोटिंग करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट, वंस अगेन यू हैड टू राइट डाउन वन मोर हेडिंग, आइटम्स दैट फ्लोट ऑन एन ऑयल। अब आपको क्या लिखना है,
आइटम्स दैट फ्लोट ऑन एन ऑयल, आपको उन आइटम्स के नाम लिखने हैं जो कि ऑयल में फ्लोटिंग करता है। अब उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए हम क्या क्या लिखने वाले हैं, वी विल राइट डाउन हियर फॉर दिस पेपर। पेपर के बाद हम लिखेंगे इसमें थिन प्लास्टिक शीट, थिन प्लास्टिक शीट। थर्ड नंबर पे हम लिखने वाले हैं वैक्स, ये भी देखिएगा ऑयल में फ्लोटिंग करता है। अब देखिए ऑयल में तो पूछ ही रहे हम कि फ्लोटिंग करता है कि नहीं करता है, सो वी विल नॉट टेक दिस वन, यहाँ पर हम ऑयल आइटम को नहीं लेने वाले हैं। थर्मोकोल जो होता है वो भी ऑयल में फ्लोटिंग करता है, ठीक है। एंड वन मोर, जो वुड ऑफ पीस होता है वो वुड भी इसमें फ्लोटिंग करता है। अब यहाँ पर आइस जो होता है वो आइस ऑयल में फ्लोटिंग नहीं करता है, क्यों, क्योंकि देखिए आइस किसका बना हुआ है, वाटर का। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो ऑयल होता है उस वो लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जैसे ये मेल्ट होगा या फिर जो वाटर है वो ऑयल में सिंक हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम आइस को नहीं लेने वाले हैं। अब थर्ड वापस से हम नया हेडिंग लिखने वाले हैं, विच वन, आइटम्स दैट फ्लोट ऑन केरोसिन, ठीक है। अब हमें उन आइटम्स को लिखना है जो कि केरोसिन के ऊपर फ्लोटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि हम बात करते हैं पेपर, तो पेपर जो होता है वो इजीली केरोसिन के ऊपर फ्लोटिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है थिन प्लास्टिक शीट, तो ये जो प्लास्टिक शीट होती है ये भी केरोसिन के ऊपर फ्लोटिंग कर सकती है, थिन प्लास्टिक शीट। इफ़ यू टॉक अबाउट वैक्स, तो यहाँ जो वैक्स होता है ये केरोसिन में फ्लोटिंग नहीं कर पाता है, ये वैक्स जो होता है वो केरोसिन में सिंक हो जाता है, डूब जाता है। थर्माकोल, यस, थर्माकोल जो होता है वो भी इसमें फ्लोटिंग केरोसिन में कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि हम वुड की बात करेंगे तो वुड जो होता है वो केरोसिन में फ्लोटिंग नहीं कर पाता है, वो उसमें सिंक हो जाता है। तो देखिए हमने आर्टिकल्स पूरे ये लिए हैं और इन्हीं आर्टिकल्स में से हमने चूज़ करके लिखा है कि कौन से ऑयल में फ्लोटिंग कर सकते हैं, और इन्हीं में से हमने चूज़ करके लिखे कि कौन से केरोसिन में फ्लोटिंग कर सकते हैं। यू गॉट दिस वन ना, तो इस तरह से आपको पूरी टेबल प्रिपेयर करनी है। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी को नहीं समझ में आया है देन यू कैन आस्क मी वंस अगेन। वैसे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर जो आंसर्स लिखे हुए हैं उसमें प्रॉपरली मिल जाएगा। चलिए, कनिष्का सिंह ने मुझे आंसर नंबर 7 का रिप्लाई किया है, चलिए आप टेली भी कर लीजिएगा उसको। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर हमें ऑड वन निकालना है, यानी कि हर स्टेटमेंट में या हर ए बी सी डी के अंदर आपको ये देखना है कि हर कॉलम में या हर सेंटेंस में कौन सा ऑड वन है, यानी कि डिफरेंट वर्ड है। यहाँ उसने रीज़न नहीं पूछा है कि आपको रीज़न देते हुए बताना है कि वाई इट इज़ ऑड वन, बट हम यहाँ पे रीज़न के साथ स्टडी करते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऑड वन तो छाटना है लेकिन आपको उसका रीज़न भी देना है, लेकिन हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं कि उसने रीज़न भी पूछा है, और बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें तो फुल मार्क्स मिले ही नहीं है, दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस। बट यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ केवल आपसे ऑड वन निकाला गया है। फर्स्ट, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड, विच वन इज़ ऑड। अब यहाँ पर मुझे आंसर्स पहले मिल चुके हैं, इट्स बेबी, बेबी जो है वो इसमें ऑड वन है। वाई, क्योंकि देखिए चेयर, बेड, टेबल एंड कबर्ड्स, दीज आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन बेबी जो है वो लिविंग थिंग में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर बेबी को ऑड वन निकाला है। अब यहाँ देखिएगा हम सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके ऑड वन निकालेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको चलना है। सेकंड में देखिएगा आप, रोज़ है, जैस्मिन है, बोट है, मेरी गोल्ड है और लोटस है। यदि हम इसमें देखते हैं तो इसमें बोट जो है वो ऑड वन है, क्यों, क्योंकि देखिएगा रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस ऑल आर फ्लावर्स, ये सभी क्या हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन बोट जो है वो वुड की बनी हुई एक अलग से एक ऑब्जेक्ट या आर्टिकल है, तो ये सारे तो फ्लावर्स हैं बट बोट इज़ नॉट फ्लावर, ओके। नाउ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड,
यदि हम इसमें बात करते हैं तो इसमें सैंड जो होता है वो ओड वन है, और आप इसको इस सैंड को ओड वन तभी निकाल पाओगे यदि आपको मेटल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है या आपको कुछ मेटल्स के नाम पता है तो। और ये मैंने आपको चैप्टर ड्यूरेशन बताया था जब हमने शाइनी अपीयरेंस के बारे में बात करी थी एट दैट टाइम। ये देखिएगा एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है और सिल्वर है, ये सभी क्या हैं, मेटल्स है। अब देखिए इसमें हम दो तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, एक तो ये कि सैंड जो होती है वो शाइन नहीं करती है जबकि सारे मेटल्स जो होते हैं उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ऑल आर मेटल्स बट सैंड इज नॉट अ मेटल, ठीक है। तो ये हमारा ऑड वन हो जाएगा। उसके बाद में है शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर आपको ऑड वन निकालना है एंड गिव मी रीज़न ऑल्सो। अब यहाँ मुझे अभिनव ने भी रिप्लाई किया है बिकॉज ऑल आर ओके, अच्छा आपने रीज़न भी दिया है, वेरी गुड अभिनव। देखिए यहाँ पर शुगर जो होती है ये वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है यानी कि डिसअपीयर हो जाती है। यदि हम यही बात सॉल्ट के लिए करते हैं तो सॉल्ट भी कम्प्लीटली वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट सैंड, तो सैंड जो होती है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, ये आपको पता है, इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर और जार। लेकिन कॉपर सल्फेट जो होता है ये भी केमिकल है, ब्लू कलर का केमिकल होता है, जब आप इसके क्रिस्टल्स को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये भी कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। दिस इज कॉपर सल्फेट एंड इट्स फॉर्मूला इज CuSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट, ओके। तो यहाँ पर ऑड वन क्या माना जाएगा, सैंड माना जाएगा, आई थिंक इट्स क्लियर। तो यहाँ कॉपर सल्फेट के बारे में आप समझ लीजिएगा कि ये एक केमिकल होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है और पूरे वाटर में वो डिजोल्व हो जाता है जिस तरह से शुगर डिजोल्व होती है, ठीक है। नाउ इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी, वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, फिर भी यदि कुछ किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, हाउ यू हैव टू राइट डाउन, देन यू कैन आस्क मी ऑल द थिंग्स, ओके। देन आफ्टर विल सी साइंस एग्जाम्पलर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो हैं उसकी बिगिनिंग कल से करते हैं, ठीक है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको अपनी कॉपी में करना है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन लीव ट्रू फॉल्स, आप चाहें तो ट्रू फॉल्स को छोड़ दीजिएगा। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आपको अपनी कॉपी में करना ही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, उसे आप बुक में ही प्रॉपरली कर लीजिएगा विद रीज़न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप कॉपी में कीजिएगा क्योंकि इसमें जो मैचिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सो यू हैव टू डू इन योर कॉपी। और क्वेश्चन नंबर 2 और 1 भी आपको कॉपी में करना है, केवल क्वेश्चन नंबर जो 4 है ट्रू फॉल्स उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो, ओके। आई थिंक नो वन हैज एनी वन डाउट, ओके, नो वन हैज, जय श्री राम।